हाय स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ा सा कट गया था इसलिए दो वीडियो डालने पड़ रहे हैं आज। मैं ये मानसून का चक्र आज खत्म करना चाहता हूँ। कल से फिर हम चक्रवात और वन क्षेत्रों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। रिटर्न ऑफ मानसून, लौटता मानसून। भारत में लौटता हुआ मानसून भी वर्षा करता है। लौटता मानसून कैसे? आईटीसी जेड यहां बनता है 23 सितंबर। बात कर रहे हैं 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य वापस भाई 21 जून को मकर कर्क रेखा पर चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है, 23 सितंबर को वापस विषुवत रेखा पर सूर्य पहुंच जाता है तो आईटीसी जेड नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो हवाएं इस प्रकार चलने लगेंगी। पहले जो हवाएं ऐसे चल रही थी अब वो ऐसे आएंगी। मानसून इधर गया था, इधर से वापस लौटता है। इधर गया था, इधर से वापस। आप देख रहे हैं इधर घूमकर इधर पहुंचा था, यहां से अरब सागर मानसून घूमकर इधर पहुंचा था, ये वापस लौटता है धीरे धीरे। सबसे पहले ये कहां आता है? राजस्थान में। आप जानते हैं राजस्थान में सबके बाद में पहुंचता है और सबसे पहले वापस आ जाता है। तो राजस्थान में वर्षा का काल सबसे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जल्दी मानसून लेट आता है और जल्दी चला जाता है। तो मानसून काल सबसे कम कहां होता है? राजस्थान में। राजस्थान में कब आता है वापस घूमकर लौटता हुआ मानसून? 1 सितंबर को। यह बढ़ता बढ़ता हुआ यहां पहुंच जाता है। लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है पूर्वी घाट पर्वत के किनारे, पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर क्यों करता है वर्षा? इसका एक कारण है, यहां से हवाएं इस प्रकार चलेंगी। अब तो ये हवाएं और इधर से लौटता मानसून दोनों टकराएंगे। यहां पर सितंबर अक्टूबर के अंदर और बंगाल की खाड़ी का पानी इतना गर्म हो जाता है। मैंने कहा था ना, देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो देरी से कारण यहां का पानी बहुत गर्म हो जाता है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में क्या आना शुरू हो जाते हैं? चक्रवात आना शुरू हो जाते हैं। यह चक्रवात, इनकी दिशा क्या होती है? पूर्व से पश्चिम, ये इधर आते हैं। चक्रवात जहां उत्पन्न होते हैं वहीं नहीं रहते, आगे बढ़ते रहते हैं, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। यह चक्रवात जब पूर्वी घाट पर्वत, यहां पर कौन सा पर्वत है? पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत से टकराते हैं तो बहुत वर्षा करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक तूफान आया था जिसका नाम था अम्फान, बंगाल की खाड़ी में आया। ज्यादातर तूफान कहां उठते हैं? बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में बहुत कम नाम मात्र के तूफान उठते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक तूफान आया था निसर्ग, वो अरब सागर में आया था। ये मुश्किल से उठते हैं, लेकिन भारत की तरफ न बढ़कर ये दूसरी तरफ घूम जाते हैं। अम्फान है, हुदहुद एक तूफान है। ये तूफान उत्कल हमेशा इधर आते हैं और यहां पर उत्कल तक, उड़ीसा का तट को किस नाम से जाना जाता है? उत्कल। आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? रायसिंह। और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर घनघोर वर्षा करते हैं। एक तो लौटता हुआ मानसून, एक इधर से ये जो हवाएं हैं वो आपस में टकराती हैं और यहां वर्षा करती हैं। ऊपर से यहां पर आने वाला चक्रवात यहां भयंकर वर्षा करता है और इस साल में सितंबर अक्टूबर नवंबर में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? तट पर बहुत वर्षा होती है। इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में 90% से अधिक वर्षा करता है। कितनी करता है? 90% से अधिक वर्षा करता है। आज का क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चनों के वैसे जवाब बहुत ज्यादा दे रहे हो आप लोग, इतने ज्यादा ही मत दो। आज का क्वेश्चन है ITCZ का पूरा नाम बताइए। ITCZ का पूरा नाम बताइए। धन्यवाद।